नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में, जिसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा तीसरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की जो फर्स्ट लाइन है, जिसका नाम है पाइराजिनामाइड। अब इसके बारे में बेसिकली पहले कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे, फिर मैं और बात करूंगा। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बैक्टीरियासाइडल है, ठीक है, दिस इज़ अ बैक्टीरियासाइडल ड्रग। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ वेरी एक्टिव इंट्रासेलुलरली, सेल के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, जो ट्यूबरकल बैसिलाई होता है जो कि मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट होता है उनको मार देता है। सो इंट्रासेलुलरली मोस्ट एक्टिव, ठीक, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसके अंदर के ट्यूबरकुलर बैसिलाई को मार देता है, एंड बिकॉज इट किल्स द ट्यूबरकल बैसिलाई विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मैक्रोफेजेस एंड ऑल्सो किल्स द स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट हैज़ द बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी, बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप लोग रिकलेक्ट करोगे, मैंने आपको बताया था दिस इज द मैक्सिमम मैक्सिमम हेपाटोटॉक्सिसिटी होती है पाइराजिनामाइड से, मैक्सिमम हेपाटो टॉक्सिसिटी इज विद पाइराजिनामाइड, ठीक। बस एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको इसमें यह याद रखना है कि इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये हाइपर यूरिसीमिया या गाउट कर सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड के लेवल्स को ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ने का मतलब ऑब्वियसली हाइपर यूरिसीमिया, विच कैन प्रेसिपिटेट टू गाउट, ठीक। दैट्स ऑल अबाउट पाइराजिनामाइड। अब इथामबिटोल के बारे में अगले एपिसोड में बात करूंगा, तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।